अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अपने मुल्क में वो G20 की मीटिंग करवाई, उसमें G20 में शामिल हो गया। लेकिन क्योंकि ये जो मुल्क है ना, मतलब G20 वाले, ये सारे के सारे बहुत पैम्पर से मुल्क हैं, ठीक है, कि आप जब भी इनमें जाओगे, विजिट करोगे, तो आपको बहुत सारे वो कवानीन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। लोग फॉलो करेंगे, मतलब कानून को फॉलो करेंगे, और इनमें जो होती हैं इंसानी बुनियादी ज़रूरियात, उनको ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो इंसानियत के लिहाज से ये G20 उन ममालिक को शामिल किया जाता है, ठीक है, ना कि सिर्फ सिर्फ आप समझो कि आप इकोनॉमी बढ़ा ली है तो आप ग्रेट 20 में आ गए हो, ऐसा नहीं है। आपने अपने मुल्क में इंसाफ कितना कायम किया, आपने अपने मुल्क में इंसानियत कितनी कायम की, ये पैरामीटर भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया इस लिहाज से भी काफ़ी पीछे है। अब सब ने जब इसको चेक किया कि ये नया मुल्क जब G20 में आया है, तो क्या ये अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें दे रहा है, तो उसके तो ये सारा कुछ बरक्स निकला है। एक तरफ ये पंजाब को इन्होंने इस तरह मतलब बेसहारा किया हुआ है, दूसरी साइड पे वो कश्मीर का मसला, ठीक है, तीसरी साइड पे वो क्या कहते हैं, चाइना बॉर्डर है जो, ठीक है, चाइना का इलाका लिया हुआ है, और माइनॉरिटीज़ के साथ मतलब जो सलूक हो रहा है वो आप सब आपके सबके सामने है, मतलब मेरे कहने का कोई वो नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। अब जब सबने ये चीज़ें नोटिस की हैं, ठीक है, तो अब वो सारे इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। अब इंडिया के ऊपर वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो कि सबने अपने मुल्कों में लागू की हुई हैं, ठीक है, क्योंकि आप जापान में भी जाओगे तो आपको सारे राइट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब जो कानून में लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको राइट्स मिलेंगे। आप अमेरिका जाओगे वहाँ पे भी आपको सब कुछ मिलेगा, आप कनाडा जाओगे वहाँ पे भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इस तरह जो भी G20 में आता है वहाँ पे सारे कानून फॉलो किए होते हैं उस मुल्क में, तो उसको G20 की लिस्ट में रखा होता है। तो अब आप उस चीज़ उस लिहाज से कंपैरिजन कर लो इंडिया को, क्या ये G20 में रखा जा सकता है इसको, तो वहाँ पे आप ये गड़बड़ महसूस होगी आपको। तो उसी लिहाज से सारे जो तंजीमें हैं वो सारी मतलब जो भी एजेंसीज हैं उनकी, वो सारी सारी इंडिया के पीछे पड़ी हुई हैं कि आपने ये आपके ये सारे के सारे मतलब पॉलिसीज जो हैं ये गलत हैं, ठीक है, ये G20 के लिहाज से ये सही नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब जो भी इंडिया की मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, वो प्लीज़ इन चीज़ों से बाज आए, इन चीज़ों से निकल आए। आपके साथ पाकिस्तान भी जुड़ेगा, आपके साथ बांग्लादेश भी जुड़ेगा, आपके साथ अफगानिस्तान भी जुड़ेगा, ठीक है, ये क्योंकि ये जो नेक्स्ट 20 से 30 साल है ना, इनके अंदर अंदर ये एरिया जो है ना ये एक हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन वो ये सारी चीज़ें बक बक वो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो उससे पहले पहले आप इन चीज़ों को जो है ना समटा लें, ठीक है, ये माइनॉरिटी के साथ बुरा सलूक, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को कवर हो जाएंगे ये, तो इंडिया वाकई ग्रेट बन जाएगा, ठीक है, वो तो मतलब मेरे कहने से नहीं, वो वाकई ग्रेट हो जाएगा। वो वैसे भी ग्रेट है, बस क्या है असूल उनके गलत है कि माइनॉरिटीज को जना सब पीछे रखना है, खुद आगे आगे रहना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।